नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर जिले में एक अनोखा वाकया सामने आया है, जहां पर एक मां ने अपने बेटे और बहू को बुढ़ापे का सहारा मानते हुए घर में पनाह दी, तो बहू ने 420 करते हुए धोखे से अपने नाम ही घर लिखवाने का काम कर लिया। पीड़िता मनोरमा गुप्ता ने बताया है कि उसके पति के देहांत के बाद उसने अपने बड़े बेटे और बहू को अपने घर में रहने के लिए जगह दी थी। उसकी बहू पैसे से एक वकील है और उसने चालसाजी कर घर का अगला हिस्सा अपने नाम कर लिया। जैसे ही मनोरमा को इस विषय में जानकारी लगी, उन्होंने माननीय न्यायालय में अपील दायर करते हुए न्याय की मांग की, जिस पर फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने मनोरमा के पक्ष में फैसला दिया। लेकिन लड़की और बहू इस फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं और लगातार अपनी मां के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उपरोक्त घटना से आहत होकर मनोरमा ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। मेरा नाम मनोरमा गुप्ता, स्वर्गीय पति का नाम स्वर्गीय मुन्नालाल गुप्ता। मैं बिलहरी हनुमान मंदिर में निवास करती हूँ। मेरा मकान है और मेरे पति का स्वर्गवास 21 अप्रैल को हो चुका था और मैं रहती थी, और अकेले के कारण मैंने अपने बड़े बहू बेटे को बुलाई, वो मेरे पास रहते थे। आगे विशाल गुप्ता और उसकी शोभना जो एडवोकेट पत्नी वो रहती थी, इन्होंने मेरे से धोखाधड़ी से रजिस्ट्री करवा ली और आगे का हिस्सा भी दान पत्र के द्वारा ले लिया। पर मेरे साथ धोखाधड़ी की रजिस्ट्री के कारण मैंने माननीय उच्च न्यायालय को याचिका दायर की कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई, तो माननीय न्यायालय ने मुझे फैसले में मेरे हक में फैसला दिया और मुझे आगे के हिस्से का मालिक बना दिया। और आज भी तहसीलदार में रकबे में सब कुछ मेरा नाम चढ़ा हुआ है। दूसरा, मेरा पीछे का जो हिस्सा है सिविल सूट का है, वो भी लगाया हुआ है। पर इन लोगों ने, मैंने माननीय SDM साहब की याचिका लगाई तो उसके बाद माननीय ने मुझे बोला घर में रहने की अनुमति दी और खाना खर्चा देने के लिए दिया इस कारण से। और मैं जब ये आदेश लेकर गई तो मेरे को मेरे बेटे बहू ने मारपीट की, गाली गलौज की, क्योंकि वो एडवोकेट है, हर हथकंडे अपनाती है। इसने इस मेरे को डराने के लिए, धमकाने को, अपने नाम करवाने के लिए, एडवोकेट है शोभना गुप्ता, विशाल की पत्नी एडवोकेट है, आपकी बहू है, और वो उसका नाजायज फायदा उठाती है। और उसके बाद इसने मेरे बड़े बेटे के ऊपर आपराधिक मामले बहुत कायम किए, गोरा बाजार में हर जगह ये गलत गलत अपराध मामले कर रही है और मारपीट की धमकी, और उसके बाद बोलती है हम गोली चलवा देंगे, बम चलवा देंगे, और बोलती है कि हम तेजाब डलवा देंगे, तो मेरे पर दबाव बना रही है। और घुसने के लिए संबंधित थाने में मैंने गोरा बाजार थाने में बराबर मैंने हर चीज़ की शिकायत की है और मेरे पास सारी लिखा पड़ी। अभी मैं SP ऑफिस में आई हूँ जन सुनवाई में। मुझे SP साहब ने बोला, SP साहब ने गोरा बाजार थाना में फ़ोन करके बोला कि आपको घर के अंदर जाने के लिए आप साथ में जाइए और आप घर के अंदर इनको करिए। मेरा नाम मनोरमा गुप्ता है, बिलहरी में रहती। मेरा नाम संदीप गुप्ता है और मैं वर्तमान में भी कटंगा कॉलोनी में किराए से रह रहा हूँ। कुछ पिछले साल हमारे भाई विशाल गुप्ता, जो कि आदतन अपराधी है, और उसकी पत्नी शोभना गुप्ता, इन दोनों ने मिलकर और इनके साथियों ने मिलकर मेरी माँ से, जो बिलहरी में हमारा मकान है, उसकी फर्जी रजिस्ट्री करा ली, जिसको लेकर मैंने मेरी माँ के पक्ष में न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय में और SDM साहब के यहाँ पे आवेदन प्रस्तुत करा, जो कि मेरी माँ की तरफ से था। और उसके बाद शोभना गुप्ता आदेश जो है वो मेरी माँ के पक्ष में आ गया माननीय उच्च न्यायालय का, और SDM साहब ने भी आदेश कर दिया कि वो अपने घर में रहें। इन सब चीज़ों के लिए दबाव बनाने के लिए हमारे भाई ने हमारा घर का पूरा सामान अपने कब्जे में कर लिया, जिसमें हमारे सोने चांदी जेवर, बैंक की पासबुक और ये सब कुछ था उसमें, और हमें मारपीट के घर से भगा दिया। इसके बाद जब हम अभी 1 तारीख को माननीय SDM साहब के यहाँ से माँ के पक्ष में आदेश आ गया कि माँ घर में रह सकती है और उनको 5,000 रुपये गुजरा भत्ता दिया जाए, और माननीय उच्च न्यायालय का भी माँ के पक्ष में वो आ गया। इसको लेकर हमारी जो छोटे भाई की पत्नी एडवोकेट शोभना गुप्ता है, वो फर्जी मामले दर्ज करवाई गोरा बाजार थाने में, और उसके बाद जिला न्यायालय में दिनांक 9 तारीख को मेरे साथ जिला न्यायालय में मारपीट की गई इनके और इनके साथियों के द्वारा, और मेरी सोने की एक चेन थी जो गले से छीनी गई, जिसको लेके मैंने ओमती थाने में आवेदन दिया और वहाँ पे भी इसने मेरे खिलाफ में मामला दर्ज करा दिया। वकील होने का ये फ़ायदा उठाती है, और इसके पूर्व भी इनने कई लोगों पे मामले दर्ज करे हैं, और अधिवक्ता होने का ये भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं। आज हम माननीय SP साहब के पास आए हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि साहब हमारा जो सामान इसने बंद कर लिया, कब्जे में कर लिया, और हमें तो ये भी लग रहा कि इसने हमारा सामान चोरी कर लिया है, और हमने उसकी मुझे आश्वासन दिया गया कि आपकी इसकी निष्पक्ष जांच होगी और CCTV फुटेज निकलवाई जाएगी और जो संभव मदद होगी वो करेंगे, और गोरा बाजार थाने में
सामान निकाला जाएगा बोल करके घर से। मेरा नाम संदीप गुप्ता। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।